क्या करें स्टार्ट? कन्फॉर्मर्स क्या स्टार्ट करेंगे आज हम? कन्फॉर्मर्स सुने हैं नाम? कन्फॉर्मर्स आपने नाम सुना है? कन्फॉर्मर्स मैं तो कन्फॉर्मर्स पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा जितना आता है। कन्फॉर्मर्स सुना है नाम? कन्फॉर्मर्स आज अपन कन्फॉर्मर्स पढ़ेंगे। अच्छा ये तो सिंगल बॉन्ड के बहुत कैसा रोटेशन होता है फ्री बोलो? फ्री रोटेशन डबल बॉन्ड के बहुत फिक्स्ड रोटेशन फिक्स या रिस्ट्रिक्टेड? रिस्ट्रिक्टेड ट्रिपल बॉन्ड के बहुत रिस्ट्रिक्टेड। तो रिस्ट्रिक्टेड देखो जो कन्फॉर्मर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? आपके फ्री रोटेशन की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? फ्री रोटेशन की वजह से बनते हैं, ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ है ना? तो ये आपस में कैसे होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है ना? कैसे होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो कन्फॉर्मर्स बनाने से पहले अपन तीन प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। एक होता है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन सुना है ना, ठीक है ना? एक होता है आपका साहर्स और एक होता है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। समझ लो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ये किया, इसको बोल रहे हैं फिशर, ठीक है ना? साहॉर्स किसे बोलेंगे समझना? इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखना। फिशर से साहॉर्स में करना है तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे एफ लगा हुआ है, लगा दिया अपन ने ए और एफ, ठीक है? अब देखो अब आपको करना किसी भी एक तरफ, हमने इसको बी ए से क्या जोड़ा, बी और सी ये जोड़ दिया हमने। अब डी से एफ से क्या जुड़ा हुआ है? एफ से जुड़ा हुआ है डी और ई। अब देखो चाहे ई यहाँ जोड़ दे, ई हम जस्ट इसको पलट देते हैं। पलटने का मतलब समझ रहे हो? जस्ट जहाँ डी है वहां ई लगा देते हैं, जहाँ ई है जहाँ वहां डी लगा देते हैं, जस्ट पलट दी। अब आप कहोगे सर इसी वाले कार्बन को पलटा आपने, इस वाले कार्बन को नहीं पलट सकते थे? किसी एक कार्बन के रिस्पेक्ट में आप उसको रिवर्स कर दो, समझ में? किसी एक कार्बन के रिस्पेक्ट, चाहे इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, चाहे इस कार्बन, एक कार्बन के, ठीक है ना? इसको बोलते हैं अपन साहॉर्स। क्या बोलते हैं? साहॉर्स, ठीक इसके है पहले ना? बच्चे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन फिशर प्रोजेक्शन। सर क्या रिजर्व फिशर 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 एफ आई एस एच ई। एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या होता है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन साहॉर्स और न्यूमैन क्या होता है? सेम होता है। ये देखो ये बड़ा सर्कल, ठीक है ना? ठीक है ना? बड़ा सर्कल समझना है यहाँ पे, हम इसी को बना रहे हैं। इस तरीके से हमने इसको बना दिया, ठीक है ना? अच्छा तो बड़े वाले सर्कल से ए से कौन जुड़ा हुआ है? देखो ए से कौन जुड़ा हुआ है? ए यहाँ है, एफ यहाँ है, समझना? ए से कौन जुड़ा हुआ है? ए से जुड़ा हुआ है बी और सी। ए से कौन जुड़ा हुआ है? बी और सी। साहवर सेम ही होता है, न्यूमैन और साहवर, ठीक है ना? अच्छा और देखो यहाँ पे एफ से क्या जुड़ा हुआ है? ई और डी। ई यहाँ है एफ से नीचे वाले सर, ई और डी। इतना क्लियर हुआ? बोलो इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? समझ नहीं आ रहा सर। न्यूमैन प्रोजेक्शन। नहीं आ रहा है समझ? ठीक है अभी समझ आएगा, कब तक नहीं आएगा देखते हैं, ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ? पहले देखो आपको ये तीन प्रोजेक्शन समझ में आए? नो सर समझ नहीं आया सर। सॉ सर न्यूमैन नो सर, बना नो दिया। सर। अरे अभी क्वेश्चंस करेंगे। देखो जैसे मैंने ये मॉलिक्यूल बना के दे दिया आपको, CH3 एच ओ एच एच ओ एच CH3, ठीक है ना? इसको कन्वर्ट करना अपने उस साहस में, तो कैसे करोगे बताओ? जो कन्वर्ट कर रहे हैं साहस में, तो पहले तो ये बना दो, गोला टाइप बना दिया, ठीक है? यहाँ पे क्या है? CH3 ऊपर भी है, CH3, ठीक है ये कर दिया। अच्छा अब इस CH3 से क्या जुड़ा हुआ? एच ओ एच, एच कर दिया यहाँ, ओ एच कर दिया। इससे भी क्या जुड़ा हुआ? एच ओ एच। बस हमें क्या करना? पलट देना, एक कार्बन के रिस्पेक्ट में पलट देंगे, ओ एच यहाँ कर देंगे एच, ठीक है? अच्छा अब हमें न्यूमेन में बनाना, तो कैसे बनाएंगे ये सर्कल? मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ।
ह्यूमन में जिससे आपको समझ में आ जाए, और जैसे मैंने दो सर पलटा क्या है हमने, मतलब क्या किया है? ये वाला कार्ड, इसको, ये राइट था ये लेफ्ट था मेरे रिस्पेक्ट में, मैं अपने रिस्पेक्ट में बताऊँ, ये राइट था ये लेफ्ट था, इसको हमने लेफ्ट कर दिया, इसको राइट कर दिया, किसी एक को कर दो, चाहे इसको लेफ्ट राइट कर दो, चाहे इसको लेफ्ट राइट, चेंज कर दो आपस में ग्रुप, क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। ओके सर, जैसे एक और देखो, मैं इसको बना रहा हूँ अलग कलर के पेन से, इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो देखो ऊपर भी CH3 है, यहाँ एक्चुअली दो कार्बन कौन से, एक कार्बन ये है आपका, ये बीच वाला, और एक कार्बन ये बड़ा रेड वाला सर्कल है, एक कार्बन ये है, ठीक है ना, ये पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है। इस तरीके से समझ सकते हो, मैं आपको समझा सकता हूँ एक मिनट को, वीडियो कॉलिंग ऑन कर रहा हूँ। देखो इस तरीके से ये आपका पेन है, समझना अच्छे से, ये आपका पेन है इस तरीके से, पीछे से हम यहाँ से देख रहे हैं, एक कार्बन ये है, एक कार्बन पीछे वाला है, न्यूमैन, समझ रहे हो बच्चा लोग, ये कितना चलेगा, कौन सा आगे कार्बन होगा, कौन सा पीछे कार्बन होगा? अब वो आपको समझना है, वो तो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, वो कोई भी सर, कोई चेन है वो सर, उसका आगे वाला पार्ट मतलब ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ऐसे पीछे वाला पार्ट ऊपर और नीचे दोनों, हाँ वो कोई भी हो सकता है। तो देखो अब देखो यार, CH3 है, अब CH3 से कौन जुड़ा हुआ, जो न्यूमैन और साहोर्स होता है वो सेम होता है, CH3 से कौन जुड़ा हुआ, HOH, तो हमने CH3 से क्या जोड़ दिया, H, इस CH3 से क्या जुड़ा हुआ, HOH, H, ठीक है, क्लियर हुआ सर? सर जो ये बेसिक बॉडी प्लान है, ये हर मतलब कोई भी वो उसके लिए सेम ही रहेगा ना? कैसे, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे बच्चा? तो मतलब जैसे कि जो ये शेप्स हैं, जैसे हम लोगों ने इनको कन्वर्ट करा, चाहे इसमें कोई भी अपना फॉर्मूला आ जाए, वो सबके लिए सेम ही रहेगा ना? सबके लिए सेम रहेगा, आपको सबके लिए भी सेम रहेगा ये, ठीक है ना, आपको इस तरीके से आएगा। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन किसे बोलते हैं, साहोर्स प्रोजेक्शन किसे बोलते हैं, हम जो कन्फॉर्मर्स पढ़ेंगे हम इस प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। सर एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दें। न्यूमैन प्रोजेक्शन में अपन कन्फॉर्मर्स को पढ़ेंगे, इसलिए मुझे बताना पड़ा, तो मैंने सोचा कि ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने वो फ्री रोटेशन के नीचे लिखा इनकन्वर्टेबल, तो वो क्या है? ये आपस में कन्वर्टेबल होते हैं, जब आप इनको अभी रोटेट कराओगे, मैं बात करूंगा कन्फॉर्मर्स की, मैं तो अभी कन्फॉर्मर्स की बात करूंगा, मैंने बोला कन्फॉर्मर्स कब बनते हैं, फ्री रोटेशन की वजह से, वो आपस में क्या होते हैं, इनकन्वर्टिबल होते हैं, मतलब आपस में। सर इसमें भी डायरेक्शन रिवर्स करनी है। किसमें सर? न्यूमैन, न्यूमैन में डायरेक्शन रिवर्स नहीं करनी है, सिर्फ आपको फिशर साहोर्स और न्यूमैन सेम होता है, याद रखना, ठीक है ना। सर वो ई और डी वाला जो आपने किया है, हाँ तो मतलब वो वही कर दिया, पहले कर दिया था उसके बाद वही रखा ना? हाँ वही रखा, जो F से कौन जुड़ा है, F से कौन जुड़ा, E और D तो जुड़ा था, F से हमने क्या देखा है, बड़े वाले सर्कल से E जुड़ा था, D जुड़ा था, और छोटे वाले से कौन जुड़ा था? सर मैं फिशर के से कर वो कर रहा हूँ कंपैरिजन, तो वो देख के पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन तुम करो तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, एक करो कन्वर्ट CH3 H, OH, H, OH, और यहाँ पे करो तो CH2, CH3, इसको कन्वर्ट करो। यदि आपको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो याद रखो इस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, ह्यूमन प्रोजेक्शन, इसको साहोर्स, इसको सर, कन्वर्ट करना आ जाएगा तो अच्छी बात है, हो गया? यस सर, सभी का हो गया, आसान है, देखो कैसे करेंगे, फिर से एक बात समझ लो जिसको समझ में नहीं आया है, आपको क्या करना है, घोड़ा देखा, इस तरीके से बैठ बैठ जाओ उस पर और चलाओ, ठीक है, सिंपल उसी तरीके, यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है CH2 CH3, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा H, OH, किसी एक कार्बन की रिस्पेक्ट में आप रिवर्स कर दो, मतलब लेफ्ट राइट कर दो, राइट लेफ्ट कर दो, H OH यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ, तो उल्टा कर दिया, H यहाँ कर दिया, अच्छा सॉरी OH यहाँ कर दिया, H यहाँ,
ठीक है, यही बना था सभी का। सर अब यस नीचे सर। वाले कार्बन को भी तो मतलब उलट सकते हैं ना। हाँ ऊपर वाला हम बोलते हो ना, किसी भी कार्बन को लट दो, एक को लट दो, एक को। ऐसा नहीं कि मुझे इस वाले कार्बन से प्यार था तो मैंने इसको लट, नहीं तो मैं इससे नहीं, इससे नहीं, इससे प्यार है तो इसको तुम लट दो। सर न्यूमैन में जो आपने पहले बनाया था उसमें OH की जगह H आ सकता है और H की जगह OH आ सकता है। अभी हम बात करेंगे यार वो सब। एच की जगह वो एच आ सकता है, मतलब कैसे बोल लो। जैसे कि जो CH3 से H और OH बाइंड है ना, वहां पे जहाँ पे आपने OH लगाया वहां पे हम H लगा सकते हैं क्या? ऐसे चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है उसमें क्या, फिर मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। ये इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे हम कर दें इस तरीके से, क्या बनेगा CH3, और वो नीचे क्या जाएगा CH2 CH3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या जुड़ेगा H OH, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा देखो लेफ्ट साइड पर बताओ। एच, राइट साइड पर ओ। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। यस एक क्वेश्चन और दूंगा कन्वर्ट करने को प्रैक्टिस के लिए, यस सर। ओके मोर देन एनफ। एक क्वेश्चन और देख लो प्रैक्टिस के लिए, इससे आपको क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है ना। एक और बना लो आप, और एक क्वेश्चन आपको हम और दे देते हैं। ब्रोमीन एच CH3 एच CH3 ब्रोमीन बनाओ भी। हो गया भाई, आसान यस सर। था, आसान था। मैं करूं या हो जाएगा सभी से, बताओ भाई क्या करना है। सर हो जाएगा, हो हो गया गया सर। है, नो हो जाए, नहीं करूं ना। सर हो गया। ये यस इनकन्वर्टिबल मत लो, ये कन्वर्टिबल करो इसको, थोड़ा ये करो, कन्वर्टिबल होते हैं आपस में चला, ठीक है ना। देखो अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कन्फॉर्मर आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे। तो देखो कन्फॉर्मर आइसोमर्स किसे बोलते हैं, इनको कन्फॉर्मर्स बोलते हैं, है ना। ये किसकी वजह से बनते हैं, फ्री रोटेशन की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से, फ्री रोटेशन, मतलब सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है आपका, फ्री रोटेशन होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, उसकी वजह से ये बनेंगे, ठीक है ना। तो देखो लिखा भी यहाँ पे, डिफरेंट नॉन आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल डेट रिजल्ट बाय द रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। डेट कैन इजिली रिकन्वर्टेड एट रूम टेम्परेचर, जो आपस में क्या होंगे, कन्वर्टेड होंगे रूम टेम्परेचर से, आर नोन एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है ना। उन्हें क्या बोलते हैं अपन, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो देखो आप, सिंपल सी बात है, आपसे किसी भी कंपाउंड के कन्फॉर्मर्स पूछे जाए, किसी भी कंपाउंड के, देखो यदि आप किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ कंफर्मर्स पूछे जाए, नंबर ऑफ कंफर्मर्स किसी भी कंपाउंड के पूछे जाए, तो आप कितने बोलोगे बताओ बच्चे लोग, इनफाइनाइट। कितने बोलोगे, इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट बोलोगे, देखो देख लेते हैं यहाँ पे, क्यों इनफाइनाइट। किसी भी कंपाउंड में बोलो नंबर ऑफ कंफर्मर्स ऑफ इथेन, तो आप क्या बोलो, इनफाइनाइट। मैं नंबर ऑफ कंफर्मर्स ऑफ प्रोपेन बोलूँ तो आप क्या बोलो, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ कंफर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन बोलूँ तो आप क्या बोलो, इनफाइनाइट बोलोगे। तो देख लो कैसे, यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ आपको, सिंपल सा फंडा है। देखो बच्चा लोग, ये आपके दो कार्बन हैं, इस तरीके समझना, ये आगे पीछे हैं, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही रखे हुए हैं, ठीक है ना। मैं इस तरीके से नहीं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये आगे वाला कार्बन एक है, पीछे वाला, अब हम क्या करते यार, इसको फिक्स कर दिया, रोटेट करते जा रहे, क्या करते जा रहे, रोटेट,
तो देखो आप यदि रोटेट कराओगे तो कितने भी एंगल पे रोटेशन हो सकता है, कितने भी एंगल पे, जब कितने भी एंगल पे रोटेशन होगा तो कितने बनेंगे बताओ आप, कितने बनेंगे कन्फर्मर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बने, किसी भी एंगल पे कर सकते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से बोल रहे हैं। इसीलिए देखो ये फिर से अपनी जगह आ जाएगा, फिर से रोटेट कराओ तो क्या बोल रहे हैं इसको, इंटर कन्वर्ट, क्या बोलते हैं ये आपस में कन्वर्टेबल होते हैं, क्या होते हैं कन्वर्टेबल, क्यों, फ्री रोटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा एक टाइम बाद क्या आ जाएंगे फिर से वहीं पे आ जाएंगे। कैसे होते हैं ये देखो, कैसे होते हैं कन्वर्टेबल, ठीक है ना, क्लियर हुआ सभी को, यस सर, यस सर, यस सर। पक्का इस तरीके से हो रहा होगा तो समझ जाओ वहां पे हम क्या कर रहे हैं। बच्चा लोग यदि हम देख रहे हैं वहां पे हम क्या कर रहे हैं, है ना, वहां पे यदि हम देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं तो किसी भी कंपाउंड के कन्फॉर्मर्स कितने बन रहे हो, इनफाइनाइट बन रहे हैं, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। ह्यूमन प्रोजेक्शन को भी कंसीडर करते हैं क्या? हाँ उसी में बनाएंगे हम, अभी जो साहर्स में बहुत डिफिकल्ट आपके सिलेबस में न्यूमैन वाला ही है उसी को पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो और सर हमने जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखे थे वो तो लिमिटेड ही थे, तो उससे ज्यादा भी होंगे तो कैसे बनेंगे, मतलब कैसे सब्स्टिट्यूएंट वो देखे थे अपन ने, कैसे जैसे ए बी सी डी कोई चार ही थे ना उसमें, तो कैसे हमारे पास जिनको हम फिर आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट कर दे रहे थे सॉहर्स और न्यूमैन में, हाँ क्या देखे थे? जैसे फिशर में था तो फिर हम डी और ई वाले को रोटेट कर दे रहे थे ना बी और सी के रिस्पेक्ट में सॉहर्स और न्यूमैन बनाने के लिए, तो सही अगर बोल उससे रहे हो, ज्यादा सही होंगे जनाब। सब्स्टिट्यूएंट्स तो कैसे करेंगे। इसका कहीं दिमाग मत लगाओ, अभी 2 मिनट को सब क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट को मैं अभी कन्फर्म पे ही बात करने वाला हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जब मैं पूरा टॉपिक, ठीक है, फोकस ठीक है कर सर, दिया, ठीक है ना। अब देखो तो इस तरीके से देखो कन्फॉर्मर्स देख लो यहाँ पे, अभी हम कन्फॉर्मर्स ऑफ इथिन बनाएंगे, सीखेंगे भी बनाना, ये कन्फॉर्मर्स ऑफ इथिन है, ठीक है ना, इथिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जानते हो, CH3 CH3, इसी को बोलते कन्फॉर्मर्स ऑफ इथिन, ठीक है ना, है ना, इसको क्या बोलते इथिन, इसके अपन कन्फॉर्मर्स बनाएंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो अच्छा कितने बनेंगे यदि मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स ऑफ इथिन तो कितने बनेंगे बताओ, इनफाइनाइट, 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 ठीक है ना। इनफाइनाइट, तो देखो अब कन्फॉर्मर्स हमने बना रहे हैं कन्फॉर्मर्स ऑफ इथिन, कन्फॉर्मर्स ऑफ इथिन, ठीक है ना, जब हम कन्फॉर्मर्स ऑफ इथिन बनाते हैं तो देख लो आप CH3 CH3, इसके जो कन्फॉर्मर्स बनेंगे वैसे तो इनफाइनाइट बनेंगे, लेकिन अब अपन देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के कन्फॉर्मर्स देखते हैं, कुछ स्पेशल टाइप का एंगल लेते हैं उस पर अपन देखते हैं, तो दोनों हम दो कलर से बनाए, ये देखो इथेन एक कार्बन ही हो गया, एक कार्बन बच्चा लोग ये हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, एक कार्बन ये वाला एक कार्बन बड़ा वाला सर, ठीक है ना। अभी क्या है, इसके जस्ट पीछे है हाइड्रोजन, है कहाँ, इसके जस्ट पीछे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे क्या हाइड्रोजन, समझना यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं अपन, मैं ये भी बता देता हूँ, इन दोनों के बीच के जो एंगल का मतलब होता है थीटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन, थीटा, इसको बोलते हैं अपन डाईहेड्रल एंगल, क्या बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, क्या बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, ठीक है ना, थीटा। अच्छा अब देखो अब हम बात करें थीटा, हमने क्या बोला डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है, तो अब हम इसको क्या करा है 60 डिग्री रोटेट करा रहे हैं, कितना डिग्री 60 डिग्री, जब हम इसको 60 डिग्री रोटेट कराएं 60 डिग्री जब रोटेट करते हैं, ये था आपका, देखो सभी लोग ये था आपका, भी जस्ट इसके पीछे क्या था हाइड्रोजन था, ये वाला कार्बन क्या था हाइड्रोजन था, ठीक है ना, अब हमने इसको रोटेट करा दिया कितने डिग्री 60 डिग्री, समझ रहे हो ना, कितने डिग्री रोटेट कराया 60 डिग्री, ठीक है ना, इस तरीके से, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया 60 डिग्री, हो क्या हो गया 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमने रोटेट कराया थीटा क्या कर दिया, थीटा हमने 60 कर दिया, मतलब यहाँ पे एंगल क्या कर दिया चेंज कर दिया, तो देखो क्या बना आपका, जो आपका कंफॉर्मर बना कितना है थीटा 60, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन,
इसको क्या थीटा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन इक्लिप्स कंफर्म, क्या बोलते हैं इक्लिप्स कंफर्म, याद रखना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन स्टेगर्ड, क्या बोलते हैं सर, वॉइस ब्रेक कर नाम दिया हमें बीच नहीं में। ना, यस सर, आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। सभी को, वैसे यस तो समझ में ही सर, नहीं आ रहा यस मतलब सर, बता गया, कुछ नहीं आया मतलब हमारी, मतलब बस इतनी देर से देख चुपचाप बैठे हो बता नहीं पा रहे थे। हाँ सर, हम यहाँ लोग देखते हैं, एक मिनट इसमें आप लोगों की भी ब्रेक, एक मिनट में देखता हूँ। तो बीच में हेलो हेलो आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस अभी आप लोगों की ब्रेक में आ रही है आवाज, अभी ब्रेक आप लोगों की आवाज हो रही है ब्रेक। नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ, नेटवर्क तो लेकिन यहाँ तो पूरा है। सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है हमें। आप मेरी क्लियर आ रही है, बस मेरी क्लियर पहुंचे बस। हाँ आवाज क्लियर आ रही है मेरी, हाँ आ रही है, ठीक है थोड़ी देर में हो जाएगी। अच्छा ये समझ में आया था ना मैं जो बता रहा था यहाँ सर ये नहीं पे? आया। अच्छा तो हमने क्या किया इसको, अभी हाल मैंने वो आपको एक वीडियो कॉलिंग किया था, मतलब वीडियो ऑन किया था जब आपने समझ गया था, सिस्ट डीपी रोटेट करा था जब, वो चीज समझ में आई थी? ऐसा हो रहा है देखो बस, चलो सर वो बीच में वो आवाज अटक गई, बीच का समझ में नहीं आया था। देखो समझो, ये दो कार्बन है, यस सर, एक पीछे वाला ये है बड़ा, ये ब्लैक रेड वाला आ गया, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, देखो 60 डिग्री रोटेट करा दी, कितने डिग्री, 60 डिग्री, समझ में आ गया। डाईहेड्रल है कितना हो गया बताओ, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 60 हो गया है ना। तो सेम यहाँ भी वही फंडा हो रहा था, देखो जैसे हमने इसको रोटेट कराया कितना, 60 डिग्री, जैसे हमने 60 डिग्री इसको रोटेट कराया है ना, जो जो हाइड्रोजन यहाँ पीछे था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, वो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, वो हाइड्रोजन यहाँ, मतलब अलग अलग हो गया, ठीक है ना। सर इस फॉर्म को इक्लिप्स बोलते हैं अपन वाले में स्टेगर्ड। एग्जैक्टली पीछे है ना हाइड्रोजन एक दूसरे अरे के? हाँ अच्छा एग्जैक्टली पीछे, हाँ एग्जैक्टली पीछे, इसीलिए तो हम इसको तो देखो क्या दिखा रहे डायहेड्रल हैं। एंगल जीरो है हाँ क्या? नहीं कुछ बोल सकते हैं, वहां पे जीरो हो सकता है, हाँ जीरो बोल सकते हैं, जीरो ही होगा, जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आपस में डिस्टेंस तो होगा, कुछ ना कुछ तो एंगल पे वो लगे होंगे ना, 60 डिग्री या 190, कुछ ना कुछ तो हो ही ना एंगल उसका, है ना। एक्चुअल एंगल कुछ ना हाँ कुछ तो होगा सर, ना, थीटा कुछ हाँ तो होगा, स्पेस में थीटा डिस्टेंस से हो गई। हाँ ना हो गई ना। तो देखो इतना क्लियर हो गया, आप बताओ भाई सभी को, है यस सर, ना। तो देखो यस सर, इक्लिप्स ये बोला है, स्टेगर्ड इसको बोल, इनके बीच में जो कन्फॉर्मर्स बनते हैं उनको बोलते हैं अपन स्क्यू कन्फॉर्मर्स, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्यू कन्फॉर्मर्स, ठीक है ना। मतलब अब हम बोले अभी 0 से 60, यहाँ पे अभी 0 डिग्री एंगल था, मैं मान रहा हूँ 0 डिग्री मान के चल रहा हूँ मैं, 60 डिग्री मैंने रोटेट करा दिया, ठीक है ना, 0 डिग्री था 60 डिग्री रोटेट करा दिया, तो कितने इनके बीच में कितने कन्फॉर्मर्स बनेंगे बताओ, 0 टू 60 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, वेरी गुड, क्यों कितने भी एंगल पे हम चेंज करा सकते हैं। अच्छा एक बात आओ, अब आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, स्टेगर्ड ज्यादा स्टेबल होगा या स्क्यू या इक्लिप्स बताओ, सर स्टैगर्ड, स्टेगर्ड, क्यों क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो क्या है, वो दूर दूर है हाइड्रोजन, क्या है दूर दूर है, जब दूर दूर है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, तो स्टेबल कौन सा होगा बच्चा लोग, स्टेगर सबसे ज्यादा स्टेबल, इनके बीच के ठीक है। कंफर्मर्स क्या कहते हैं? स्क्यू कन्फॉर्मर्स, स्क्यू लिखा हुआ है ना, स्क्यू कन्फॉर्मर्स, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे पूछा जाए,
एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इक्लिप्स की। सर फिर से ब्रेक कर रही है थोड़ी थोड़ी। यस सर वॉइस ब्रेक। अभी भी ब्रेक कर रही है? यस सर बीच बीच में। किस किस को ब्रेक कर रही है? सर सबको। सर बीच बीच में हो रही है ब्रेक। कर रही है ब्रेक। चलो एक मिनट को, अभी वैसे नेटवर्क तो यहाँ से सभी हैं सर। अब मैं चेंज सर करता सही आ रही है, मतलब आप सही थी। दो मिनट के लिए सही आती है फिर वापस ब्रेक करती है। एक मिनट को बेटा मैं दोबारा से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ, एक मिनट को है ना। ओके सर। हेलो। यस सर। क्लियर आ रही है एकदम? यस सर अब आ रही है। यस सर अभी आ रही है। नेटवर्क इशू होता है, आप क्या कर सकते हैं उसको। इंडिया में कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जब तक नेट रुक के नहीं चलेगा, जब तक मजा कहाँ आएगा लोगों को। नहीं सही बोला आपने सर, इसीलिए तो ऑफलाइन ज्यादा बेस्ट होता है। ये तो। नहीं नहीं किसने बोला तुमसे? सर हमें लगता है, मतलब लगता है तुमको ऐसा? नहीं है पढ़ने का, देखो सर एक साल हो गया ना तो ऑनलाइन होना में पढ़ते चाहिए हुए, तो अब तो पता चल ऐसा। गया। हाँ बोरियत हो रही है। अच्छा ऐसा नहीं है बेटा, ऑनलाइन में ही मजा आता है, मुझे तो ऑनलाइन में आता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी स्टेगर्ड की। इक्लिप्स की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। और एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन क्या हो, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी हम थीटा जीरो ही मान के चल रहे हैं, है ना। और जब हमने एंगल इसको रोटेट कराया 60 डिग्री पे, तो क्या हो गया, इसको अपन ने स्टेगर्ड बोला, ठीक है ना, दूर दूर। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछा जाता है, याद रख लेना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा एनर्जी। हाँ सर स्टेबिलिटी फिर से बता दो, मैंने नेटवर्क चला गया था। लो स्टेबिलिटी ये है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या थे, पास पास थे। जब पास पास हैं तो रिपल्सन ज्यादा होंगे। जैसे आप घर में हो, भाई बहन हो, लड़ते हो ना, पास पास हो, है ना। अब दूर दूर हो जाते तो क्या हो जाता, लड़ाइयाँ कम हो जाती ना, है ना। ऐसी देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये पहले भाई बहन थे ऐसे, मतलब दोनों हाइड्रोजन क्या थे, दोनों भाई भाई थे, ठीक है ना। अब ये छोटे छोटे हैं तो आपस में लड़ रहे हैं। अब इनको क्या हुआ, अब इनकी जॉब लग गई, बाहर दूर चले गए, दूर हुए तो रिपल्सन कम हो गया, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होगी दोनों भाइयों की, क्योंकि वो पैसा कमाने लगे। सर जितना एंगल बढ़ा देंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं बेटा, समझो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों क्या है, दूर दूर है, देखो दूर दूर है। ऐसा नहीं, यदि हम फिर से इसको रोटेट कराएंगे तो फिर से क्लिप्स डी बन जाएगा। देखो 60 डिग्री फिर से रोटेट कराए, यदि मैं 60 डिग्री फिर से रोटेट करा देता हूँ, समझाने के लिए ये, ठीक है ना। 60 डिग्री फिर से मैं रोटेट करा देता हूँ, फिर से कहीं और क्या बन जाएगा आपका, इक्लिप्स ही बन जाएगा बच्चा। लो क्या बन जाएगा, इक्लिप्स बन जाएगा। देखो एच 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 इस तरीके से बन जाएगा, ठीक yes, है ना sir. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेगर्ड। आपसे पूछा जाता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, फिर उससे कम स्क्यू, उससे कम इक्लिप्स। क्लियर सभी को? ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आता, डायरेक्ट yes, नीट में आता है यहाँ से डायरेक्ट, एक बार ध्यान, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ एक मिनट बोलो। तो एक मिनट वो लास्ट वाली स्लाइड। यस सर एक मिनट। अरे एक मिनट नहीं, आराम से लिखो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर फिर से बता दो बेटा, जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ही कम स्टेबल, याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ, कम रिपल्सन हुआ, सबसे कम रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, दूर दूर है ना, देखो ना दूरियां है ना, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो देखो स्टेगर्ड क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है।
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टेगर्ड, उससे कम इसकी, उससे कम एक्लिप्स। ठीक है, अब क्लियर यस हुआ? पक्का यस सर आगे बढ़े? यस सर ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं कंफॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। कितने बनेंगे कंफॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन बताओ? किसी भी ब्यूटेन के इनफाइनाइट। वेरी गुड, इस बात को ध्यान रखना। जब तक कि लिखा ना मिले आपको, क्या स्टेगर्ड, स्क्यू, इक्लिप्स, इस तरीके से लिखा ना मिले तब तक कि आपको क्या करना है? इनफाइनाइट ही होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो कंफॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन की जब हम बात करते हैं, देखो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे याद रखना जो मैं रोटेशन करा रहा हूँ उस 1 2 3 4 C2 और C3 कार्बन का रोटेशन करा रहा हूँ। किसका? C2 और C3 कार्बन के बीच में। ठीक है ना, देखो कैसे बनेंगे भाई, यहाँ पे देख लो। जब हम इसको बनाएंगे, यहाँ भी मिथाइल है, M, मैं CH3 को M ही लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इसके पीछे भी अभी मिथाइल है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, एक मिथाइल है एम, एक ए मिथाइल है। ठीक है ना, इसके पीछे भी क्या? हाइड्रोजन। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, इसको बोलते हैं अपन फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं नाम इसका? फुल्ली इक्लिप्स्ड, समझना यहाँ से। ठीक है ना, अब हम इसको कितने डिग्री रोटेट करा? 60 डिग्री रोटेट करा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे ही हम इसको 60 डिग्री रोटेट कराएंगे, 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा बच्चा लोग, अब बनेगा दोनों मिथाइल कैसे हो जाएंगे? सब दूर दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूर दूर। देखो मिथाइल मिथाइल, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं अपन गॉच कन्फॉर्मर। क्या बोलते हैं? गॉच कन्फॉर्मर। ठीक है ना, फिर से हम इसको 60 रोटेट कराते हैं। ठीक है, अब हम 60 रोटेट कराएंगे तो अब क्या होगा? अब ये मिथाइल और हाइड्रोजन आपस में हो जाएंगे, ठीक है, पास पास हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम फिर से 60 रोटेट कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? यहाँ भी क्या है? यहाँ भी आपका मिथाइल है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका? हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका आ गया मिथाइल। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है ना, फिर से हमने इसको 60 डिग्री रोटेट करा दिया। इसको बोलते हैं अपन, इसका नाम होता है पार्शियल इक्लिप्स। क्या होता है? पार्शियल इक्लिप्स। है ना, ठीक है। अब देखो अब हम फिर से इसको 60 डिग्री रोटेट करा दें तो क्या बनेगा आपका? आप खुद भी बना सकते हो, अब तो आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी क्या होगा। देखो अब मिथाइल दोनों कैसे हो गए? अपोजिट हो गए। कैसे हो गए? अपोजिट। देखो मिथाइल, ठीक है ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखो दोनों मिथाइल अपोजिट है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? एंटी। मतलब क्या? दोनों अपोजिट है, मतलब एंटी स्टेगर्ड। इसको क्या बोलते हैं अपन? एंटी स्टेगर्ड। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ? अच्छा आप, अभी हम फिर से 60 डिग्री रोटेट कराए तो कौन सा रिपीट करेगा बताओ? कौन सा रिपीट करेगा फिर से 60 है? पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर से है ना, पार्शियली करेगा ना, फुल्ली नहीं करेगा, पार्शियली करेगा। ठीक है, जब हम इसको 360 पूरा रोटेट करा देंगे, यहीं से 360 फिर से रोटेट करा देंगे, तब ये मिलेगा अपने क्या? पार्शियली। आपको इस तरीके से क्वेश्चन करा दिया जाता है, जैसे मान लो हमने फुल्ली इक्लिप्स लिया, हमने बोला दोनों मिथाइल के बीच में जीरो एंगल था, हमने इसको 120 डिग्री एंगल रोटेट करा दिया। क्या करा दिया? 120 डिग्री रोटेट करा दिया। कौन सा कंफॉर्मर मिलेगा? तो कौन सा मिलेगा बताओ? पार्शियल इक्लिप्स। हाँ, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन ही हैं आपस में। ठीक है ना, तो देखो इतना क्लियर है, पहले बताओ। अब बताओ मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ? पार्शियली इक्लिप्स्ड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पार्शियली इक्लिप्स्ड। अच्छा, इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा। और कोई बताएगा? देखो बेटा सिंपल सी बात, मिथाइल ग्रुप क्या बल्की ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप जितना दूर होगा, है ना, मिथाइल ग्रुप जितना दूर होगा उतना ही कम रिपल्शन होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंटी एंटी स्टैगर्ड क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, उसके बाद उससे कम कौन होगा बताओ?
पार्शियली लिप्स्ड फिर कौन सा आएगा बच्चा लोग इसके बाद तो बच्चा क्या होता है बच्चा लोग गलती क्या करते हैं जब हम पूछते हैं ना कंफर्मर्स ऑफ ब्यूटेन बताओ तो बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं चार बोल देते हैं इन्हीं चारों का नाम ले लेते हैं ये चार नहीं इनफाइनाइट है यदि हम बोले इनके बीच में कितना बनेगा कितने बनेंगे इनफाइनाइट बने इनके बीच में भी कितने बनेंगे इनफाइनाइट बने इनके बीच में भी कितने बनेंगे इनफाइनाइट बने किसी भी एंगल पे हम रोटेट कराते हैं ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चा लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर ठीक है क्लियर है ना अच्छा ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया ये क्या होगा आपका जस्ट उल्टा बोलो एनर्जी का ऑर्डर तो आपसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना मैं पहले बता दे रहा हूँ बच्चे लोग क्या एनर्जी का ऑर्डर दिया जाता है लगा देते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्यों उनको याद किसका होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एक तो इनफाइनाइट वाले में और एक यहाँ पे स्टेबिलिटी और एनर्जी का ऑर्डर में ठीक है ध्यान रखोगे कौन सा बच्चा बता पाता है यदि थोड़ा उसने पढ़ा होगा कॉमन सेंस लगाएगा तो मैं देखता हूँ पहली बात तो नहीं होगा मुझे पता है वो भी जाएगा तो अच्छी बात है CH2OH है ना हमें ये दे दिया कौन सा ये वाला ठीक है ना ग्लाइकोल दे दिया हमसे पूछ रहा है यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा एंटी स्टैगर्ड इसका कंफर्मर ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है ना या गॉच होगा या इक्लिप्स होगा बताओ कैसे बताऊंगा इन आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊंगा मैं अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आया है नीट में फ्लोरीन वाला दिया था कि या एल्कोहल वाला बता पाएगा कोई अच्छा थोड़ा यदि दिमाग लगा कौन कुछ बोल रहा था अभी कोई बच्चा कुछ सर इसमें कोई चौथा ऑप्शन भी है नहीं ऑप्शन कोई नहीं है इसमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया सबसे ज्यादा स्टेबल से लेकर लीस्ट स्टेबल बताओ देवेश क्या क्या आपने क्या लगाया इसमें क्यों है बहुत ज्यादा इसमें वो एक्लिप्स को 60 डिग्री रोटेट किया तो मतलब सबसे ज्यादा वो जो है ना स्पेस हेड मतलब इनके बीच में वो गॉच में आ रहा था ऐसा तो नहीं है एंटी में तो सबसे ज्यादा आएगा वेयर 180 जस्ट अपोजिट हो जाएंगे रीजन से कोई बता सकता है मार दिया जाए छोड़ दिया जाए जल्दी से बताओ बच्चों और यहाँ पे हमने क्या ले लिया ये यहाँ पे हमने लगा दिया है आपका एच 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 यहाँ पे क्या सोच होने लगता है हाइड्रोजन ठीक है जब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होने लगेगी तो उस केस में गॉच वाला क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल इससे एंटी स्टैगर से ठीक है ना एंटी स्टैगर से भी है ना या अपन इसको
ये आपका ऑर्डर हुआ है इसका स्टेबिलिटी। क्लियर हुआ? समझ नहीं आया सर। गॉच वाला कैसे करेगा आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा जब यहाँ पे OH लगा हो या यहाँ पे इस तरीके कंपाउंड CH2 क्लोरीन CH2 OH है ना, इस तरीके कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। कौन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है? कौन? क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना। तो देखो यहाँ पे क्या शो करने लगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगा। इसकी इंट्रा मॉलिक्यूलर इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, एंटी स्टेबल। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। पक्का सभी को? सर नहीं सर, ये वो सर रिवाइज करना स्ट्रक्चर, मतलब जो इलिप्स वाला होगा वो कैसा? अरे मैं सब बना देता हूं, लो लो चिंता मत करो। OH इसकी जस्ट पीछे OH है ना। अब आप कहोगे सर यहां हुआ, यहां भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती थी, लेकिन रिपल्शन भी तो बहुत ज्यादा है। क्या रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है ना? H ये वाला तो समझ में आ गया। अब मैं एंटी स्टैगर्ड भी बना देता हूं बच्चों को। देखो OH हंसना मत, डायग्राम अच्छा नहीं बनाया, ठीक है? H समझ में आ गया? तीन बनेंगे ना। ये बच्चे कौन सा लगाते हैं? इसका एंटी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद गॉच, फिर उसके बाद एक्लिप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भूल जाता है, ये एक्सेप्शन नहीं है, दो बार एक्सेप्शन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है? ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से ये क्वेश्चन आया तो आप कर लें, ठीक है? समझ में आया सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो हो रहा है बीच में। बेटा देखो गॉच वाले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, देखो गॉच वाला क्या शो कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। जब देखो आप फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से बना के दिखा। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ये क्या शो करेगा? ये हाइड्रोजन इस पे क्या आएगा? इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव है ना। क्या शो करेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या उसको स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज होगी। याद रखना, जनरली भी मैं बता दूं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होगी ना किसी भी मॉलिक्यूल में, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल में ज्यादा होगी तो उसमें जिस मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इस बात को ध्यान रखना। सर एक बार इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंस बता दो। देखो इंटर मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल में क्या शो करे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल HF, ठीक है ना। इस पे क्या? पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली। एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डाइपोल ही बन रहा है, देखा जाए। सर समझ आ गए, ये इंटर मॉलिक्यूलर है ना? हाँ ये इंटर इंट्रा ही है। हाँ ठीक है, आ गया सर समझ। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे अभी भी नहीं आया हो तो अब आ जाएगा। फिनॉल है, ठीक है ना, NO2 है, ये भी कैसे करेगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है ना। यस सर, ठीक है ना। इस तरीके से ये भी शो, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एंटी स्टैगर्ड का स्ट्रक्चर भी बना दो। किसका? इसका? यस सर। लो मैं अलग पेज पे एंटी स्टैगर्ड भी बना देता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। यहाँ OH, यहाँ OH और सब जगह क्या लगा दो? ठीक है सर, इससे पहले वाली स्लाइड एक बार दिखा दो। लो इससे पहले वाली। यस सर।
सर मतलब ऐसे तो जो भी मतलब अल्कोहल होगा उसमें तो फिर गॉच वाले सबसे स्टेबल होगा, ऐसा नहीं है, अभी एक एल्कोहल हुआ तो नहीं हुआ, अब डाईऑल ठीक है मतलब हुआ, दो या दो से ज्यादा होंगे तो। हाँ तो भी हो सकता है ऐसा, उस कंडीशन में देखना पड़ेगा ना स्ट्रक्चर, ऐसा थोड़ी ना कि अब तो यहाँ मतलब पे इसको एंटी क्या स्टैगर्ड के बीच में नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसमें एंटी स्टैगर्ड के बीच में इसमें बोल रहे हो बच्चा, एंटी स्टैगर्ड में कहाँ पे हो जाएगी, होगी लेकिन वो इंटरमोलिकुलर शो करेगा, अभी करेगा अभी तो इंट्रा थोड़ी ना करेगा, इंट्रा मॉलिक्यूल तो वो होता है ना जो डिफरेंट के बीच में होता है। इंट्रा होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में, एक ही मॉलिक्यूल में हो, एक ही मॉलिक्यूल में, इंट्रा होता इंटर इंटर होता अलग अलग, इंट्रा होता एक ही, तो फिर यहाँ पे इंटर कैसे हो जाएगा? अरे यार दूसरा कंफर्मर आएगा फिर से, कोई और सॉल्यूशन में एक ही थोड़ी ना होगा, ब्यूटेन बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ब्यूटेन के ब्यूटे इस वाले ग्लाइकॉल के, वो आपस में कैसे जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो जुड़े होंगे, ये सर ओके ठीक है सर, लास्ट वाली स्लाइड देखा। लो। यहाँ तक क्लियर है सभी को तो बता दो, क्लियर यस सर ओके लॉक कर दिया जाए, यस सर यस सर ठीक है, अब ऐसे जोश के साथ बोला करो बस, यस सर ऐसे मजा आ गया सुन के, आगे बढ़ते, इतना भी जोर से मत बोलना कि हमारा कान ही, फ्लैट्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, पिसावर्स प्रोजेक्शन बताया था मैंने, ठीक है ना, ये सब वही बने हुए हैं, मैं सब आपको बता चुका हूँ, न्यूमैन सर कंफर्मर, इनके स्क्रीनशॉट बने सर। स्क्रीनशॉट लेने ले चलो, सर ये सब लिखना जरूरी है जो लिखा हुआ है इतना ज्यादा? नहीं नहीं कोई जितना मैं जो आपको टॉपिक डाउट क्लियर हो चाहिए टॉपिक क्लियर होना चाहिए, यदि आप अपनी लैंग्वेज में भी इस अगले लिखते वाला हैं दिखा तो दीजिए ऐसा सर, ना हो, इससे पीछे वाले पे भी कर दीजिए एक बार। ये सर हो गया वाला। लो भाई देख लो इथेन का है, अब सर ये हो गया इससे पीछे वाला। हाँ लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, सर स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। चाहिए तुम लोग टेक्नोलॉजी का सही फायदा तुम लोग उठा, एक माफ तो है लॉकडाउन में सारे बच्चे ये तो सीख गए लिखना कम सीख गए, स्क्रीनशॉट लेना ज्यादा सीख गए, बोले क्या बोले सर फोटो भेज दो स्क्रीनशॉट पीडीएफ भेज दो छोड़ो लिख गया है, क्यों सर इसके अगले वाले पे भी नो सर, इससे टाइम लिख यूज जाता है ना लिखने में, फिर इतना टाइम लगेगा तो इससे अच्छा स्क्रीनशॉट ही ले रहे हैं, लो। यस सर नहीं हो एक बार गया कहता सर। हूँ मैं आपको, सर पता है आप लोग मुझे पता आप लोग ये सब टाइम बताते हो, लेकिन पता लिखना पढ़ना कैसे चाहिए, पांचों आउटपुट काम करना चाहिए, पांचों आउटपुट मतलब समझते हो, उंगलियों को भी काम करना चाहिए, कानों से सुनना चाहिए, बोल बोल के पढ़ना चाहिए, प्रॉपरली सांस आंखों से देखना चाहिए, प्रॉपरली माइंड चलना चाहिए, पांचों आउटपुट काम करना चाहिए, और कभी भी पढ़ा करो तो ऐसे नहीं नोट्स उठा लिए कॉपी और पढ़ गया बोले रामायण जैसे पढ़ रहे हैं, हमेशा लिख लिख के पढ़ा करो कोई भी टॉपिक को, ज्यादा ज्यादा दिनों तक याद रहेगा इस बात को ध्यान रखना, सर एक बार इसके पहले की लो पहली वाली लगा दो स्लाइड। भाई सर इसके पहले आज कंफर्मर थी अकेला, कंफर्मर थी अकेला हुआ क्या भाई, कि आगे भी बढ़ना है, हो गया सर यस ये 3 स्लाइड है ना बस? हाँ अभी बहुत है स्लाइड तो मेरे पास बहुत, सर उससे पहले तो कुछ भी नहीं था ना, वो जो इतनी सारी लाइनें लिखी हुई थी उससे पहले। जरूरत ये जरूरत नहीं थी, मैंने सब तो बनवाया अभी हाल, मैंने ये भी ना बनवाया है, पता नहीं मैंने बनवाया थी क्या, अभी तुमने फोटो ली थी तब भी फोटो ही ली होगी, नीच मेरी फोटो चलाई थी, नीच मेरी फोटो सुना है गाना, तो वही सेम यहाँ पे, अब देखो इसकी जरूर फोटो ले लियो ठीक है, पहले से बोलती हूँ मैं, जो एंगल स्टैंड समझते हो क्या होता है, पता है ना 3 मेंबर से ज्यादा रिंग कौन के वो, 4 मेंबर, 4 मेंबर से ज्यादा 5, 5 से 6, 6 मेंबर तक की बात कर रहा हूँ ठीक है ना, तो 6 मेंबर का जो रिंग होता है एक्चुअली ये बेयर स्ट्रेन ने बताया था, जिसने बताया बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग 6 मेंबर रिंग क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है
क्योंकि इसका जो अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल आता है जब कन्फॉर्मेशनली शो करता तो 109°28' के अप्रोक्स आ जाता है। अच्छा मैं पूछूं आपको नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लो हेक्सेन तो कितने बनेंगे बताओ? इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो ये पेयर स्टेन थ्योरी है, तीन मेंबर से ज्यादा स्टेबल, चार, चार से ज्यादा पांच, पांच से ज्यादा छह, हम हायर सिक्स से ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा अब देखो, अब हमसे पूछा है कि साइक्लोहेक्सेन ही क्यों शो करता है ना, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ है ड्यू टू मिनिमम टेंशन स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज हाईएस्ट, साइक्लोहेक्सेन इज नॉन प्लेनर, सो दिस शोज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो किस तरीके से है ना, इसके जनरली दो कन्फॉर्मर्स हम पढ़ते हैं, चेयर कन्फॉर्मर्स और बोट कन्फॉर्मर्स। ठीक है ना, दो हैं और भी होते, ट्विस्टेड बोट होता है, ट्विस्टेड चेयर होता है, और भी कन्फॉर्मर्स होते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड चेयर, ये भी कन्फॉर्मर्स होते हैं, लेकिन याद रखना चेयर कन्फॉर्मर जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल ज्यादा होता है। क्या होता है, स्टेबल ज्यादा होता है, किससे, बोट कन्फॉर्मर, किससे, आपकी हाफ चेयर ये है। ठीक है ना, ट्विस्टेड बोट है ना ये है। ठीक है, ये आपके कन्फॉर्मर्स कुछ स्पेशल टाइप के, जैसे अपन वहां पे नहीं पढ़े थे कन्फॉर्मर्स, टू कन्फॉर्मर्स है ना, स्टैगर्ड कन्फॉर्म, ये भी आपके साइक्लोहेक्सेन कुछ स्पेशल टाइप के कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स, बोट कन्फॉर्मर्स है ना, हाफ चेयर फॉर्म और ट्विस्ट बोट। यदि हम इसमें क्या देखें, यदि हम इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो कौन सा, तो चेयर कन्फॉर्मर्स होता है, उसके बाद ट्विस्ट बोर्ड, उसके बाद बोर्ड, उसके बाद हाफ चेयर। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रख लेना बच्चा लोग, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से है ना, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोग याद रख लेना। ठीक है, इतना क्लियर, मैं थोड़ा सा आपको चेयर फॉर्म और दे देता हूँ, और बोर्ड और हाफ चेयर फॉर्म सर इनके वो स्ट्रक्चर कैसे होंगे सर, ये बना दीजिए सर। यही तो स्ट्रक्चर बने तो है सामने, ये बने, ये हाफ चेयर बना है, ये ट्विस्ट बोर्ड बना हुआ है सर। वो मिनिमम टेंशन स्टेबिलिटी वाली बात एक बार फिर से बता दो, कौन सी वाली बात, टेंशन जो था ये नोट में जो लिखा हुआ है, मिनिमम टेंशन स्टेबिलिटी ऑफ, अरे मतलब टेंशन स्टेबिलिटी बोला थे, मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड एंगल कितना होता है, अच्छा स्टेबल 109°28', तो इसलिए इसमें क्या होता है, जब 109°28' बॉन्ड एंगल होता है तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, टेंशन उसको क्या होगा, कम होगा, जब वो स्टेबल है जनरल सी लाइफ, आप हो इसका दिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा नीट में, हो गई वो तो कंफर्म हो गई। ठीक है ना, है ना, नीट में सिलेक्शन हो जाए तो आप स्टेबल स्ट्रेंथ, टेंशन कम लोगे या ज्यादा, फिर कम बोलो, स्टेबिलिटी है, तो जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो टेंशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, सेम यहाँ भी है ना, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो टेंशन कम होता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को और कोई डाउट सर, वो लिखना था थोड़ा सा वो लाइन यहाँ पे बताओ, डाउट नहीं है कोई सर, वो इससे पीछे वाले पे लिखना, लिख लो भाई सर। ये एंगल से मतलब ये चेयर फॉर्म और ट्विस्ट बोट में हम कह रहे थे, मतलब इन शेप्स के अंदर वो कैसे पता चलेगा कि इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी कम है, कैसे आपको सिंपल से अभी तो याद रख लो मैं, लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए बता देता, तो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में क्यों होता है, जो चेयर फॉर्म में जो हाइड्रोजन का अरेंजमेंट होता है, मैं एक्चुअली क्या एडवांस लेवल में जाना नहीं चाहता हूँ इसलिए है ना, जब हाइड्रोजन जो होते हैं इसके जो अरेंज होता है हाइड्रोजन का वो होता है स्टैगर्ड चेयर फॉर्म में, इसलिए सबसे स्टैगर्ड का जो अरेंजमेंट होता है जो हाइड्रोजन का यहाँ कैसा होता है, स्टैगर्ड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से स्टैगर्ड आपको पता है क्या होता है, स्टेबल ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है इसकी ज्यादा होती है, और इसमें जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं ब्लैक होल वाला और ये है ना इक्वाटोरियल वाला, जो आपके इसमें हाइड्रोजन लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म में लगे होते हैं, इक्लिप्स में लगे, इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है। क्लियर हुआ, यदि आपसे पूछा है चेयर फॉर्म में कैसा अरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन, तो आप बोलो स्टैगर्ड अरेंजमेंट, कैसा होता है, स्टैगर्ड। ठीक है ना, बोट फॉर्म में इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन। ठीक है, यस सर, हाँ पक्का, इतना ध्यान तुम लोग मुझसे पूछ लेते हो धीरे धीरे कर, पीछे कर दीजिए इससे थोड़ा सा, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, मुझे पता है ना तुम लोग को चैन नहीं आता, कॉमर्स वाली बात है फिर से बता दो, कौन सी वाली बात,
साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मर्स बेटा, साइक्लोहेक्सेन कंफर्मर्स जनरली इनफाइनाइट होते हैं, और यदि हम बात करें तो स्पेशल टाइप का चेयर और बोर्ड कंफर्मर पढ़ते हैं, और एक हाफ चेयर और ट्विस्ट बोर्ड। आपको इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाए तो आप कैसा बताएंगे, तो चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर आपका होता है ट्विस्ट बोर्ड, फिर आपका होता है बोर्ड, फिर होता है हाफ। ठीक है ना, इस तरीके से आपका क्या होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। याद रखना, इसको याद ही रख लेना बच्चों। चलो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी, है ना। तो बच्चा गलती कर देता है क्योंकि उसको याद होता है चेयर और बोर्ड, तो वो सबसे पहले चेयर का लगाता है, उसके बाद बोर्ड का लगाता है, फिर उसके बाद ट्विस्ट बोर्ड लगाता है, फिर आप चेयर, इसलिए वो गलती कर देता है। इसलिए इसको याद रख लेना, यहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि नीट में बच्चा बहुत गलती करता है, ये छोटी छोटी, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, है ना, है ना। ऐसे याद रख लो उसको, चेयर, इसको यदि याद रखना है इस ऑर्डर को। चलो अभी हाल बनाया मैंने, चलो ट्विस्ट, है ना, चलो ट्विस्टेड बोर्ड करें, है ना, चलो ट्विस्टेड बोर्ड, यार भूल गया क्या बनाया था, चलो ट्विस्टेड बोर्ड। सर ऐसे भी याद रह जाएगा वैसे, ये इतना भी मुश्किल नहीं। हाँ वैसे आप इस तरीके से CTBHD याद कर सकते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलो ट्विस्टेड बोट है, इस तरीके से याद, ठीक है, चलो ट्विस्टेड बोट है ना, चलो चा फॉर सी है चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड समझ में है, ट्विस्ट बोट, बोट मतलब बोटी है, हाफ मतलब है, मतलब हाफ चेयर, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बताओ इसका आंसर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा है, अब देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर बता पाता है। अभी मैं डिस्कस किया जबकि इसको, जो सबसे फास्ट आंसर देगा उसका नाम लिख देंगे हम सुनहरे अक्षरों में। सर ए, ये सभी लोग ये लिख रहे हैं, बताओ सही है क्या, लॉक कर दिया है ये, जल्दी से बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। अभी हाल हमने बताया भी था, मैंने वही बता दिया था, सबसे पहले अगर वॉच, फिर एंटी, फिर एक्लिप्स, ठीक है ना, स्टेबिलिटी कॉर्डर, याद है ना, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, बता दिया था मैंने। देखो और क्वेश्चन आ गया, मुझे भी पता नहीं था, क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल दिया। अब बताओ यहाँ पे सर, वो क्वेश्चन लिखना था ना, लिखना क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। नो सर, वो बाकी तो लिख ही रहे हैं, वो बाकी एक क्वेश्चन नंबर दूसरा करो। पंट्री की रोके करा दे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपको सर ऑप्शन डी। अच्छा क्या है, ऑप्शन डी, लॉक कर दिए गए सभी लोग? यस सर, यस, चलो लॉक कर दिए, यस सर।
देखो यही मैं जो बताता हूँ वही आते हैं क्वेश्चन, देख लो आप उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पहले भी मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़े क्वेश्चन। अरे बच्चा देखो क्या पूछा था, C2 C3 के रिस्पेक्ट में इस ये वाला तो मैं ये दे दिया ठीक है ना, इसको हमने कितने डिग्री रोटेट करा दिया, 120 रोटेट करा दिया इसी को। यदि आप 120 रोटेट कराओगे तो फिर से वहीं आ जाएगा ना, देखो OH बस यहाँ आ जाएगा, CH3 सब इसको 120 रोटेट कराओ। अभी जो एक्चुअल में इसको 120 वो भी क्या था, एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा उल्टा रोटेट कराओ। अरे सिंपल सी है, जहाँ CH3 है यहाँ CH3 आ जाए, जस्ट 120 पे चेंज कर दो ना इसको सभी को आपस में, उल्टा रोटेट करो तो क्या बनेगा आपको, कॉची कन्फॉर्मर्स को मिलेगा। आप जब 120 रोटेट करेंगे देखो मैं बना के दिखा देती हूँ, खुश हो जाओ आप लोग, मजदूरी हमें भी करनी पड़ेगी। देखो अब यहाँ पे OH यहाँ आ गया, 120 रोटेट किया ठीक है ना, एच जे वाला एच था वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला एच था वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला CH3 यहाँ आ गया ऊपर वाला, एक एच यहाँ आ गया और जो ये वाला एच था वो यहाँ आ गया, और एक CH3 कहाँ गया, एक CH3 जो ये वाला था वो यहाँ आ गया। तो क्या मिला आपको, तो मिला ये क्या है इसका नाम बोलो क्या है, क्लियर हुआ। अरे बोलो भाई। यस सर, मतलब गॉज क्यों काम में कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा सर, गॉज क्यों कहा था आज को, गॉज समझ नहीं आ रहा। यस सर, क्यों नहीं आ रहा इसमें, ये गॉज ही तो है, मैंने क्या बोला 60 डिग्री वाला क्या रोटेट इथेन के मॉलिक्यूल के केस में तो स्टैगर्ड बोलते हैं, जब ब्यूटेन यूटेन बोलते, ब्यूटेन आता तो उस केस में क्या बोलते उसको, गॉच बोलने लगते स्टैगर्ड वाले को। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बोलने नहीं लगते इस तरीके से, मैं बोल रहा हूँ तो तुम शब्दों को पकड़ो वो नहीं ठीक है ना, जनरली मैं बता रहा हूँ। 60 डिग्री रोटेट ही तो कराया यहाँ पे देख लो, 120 भी रोटेट कराओ तब भी वही बनेगा। हाँ यस सर, ओके ठीक है। बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल कन्फॉर्मेंस ऑफ नॉर्मल सर, ऑप्शन डी। वेरी गुड वेरी गुड, क्या नाम है सर, शुभम। शुभम वेरी गुड, डी ऑप्शन इनफाइनाइट ठीक है ना, तो इस तरीके को सर तभी को आगे आगे बढ़े। यस सर, अभी ये मत करो क्वेश्चन, अभी ये तुमसे बनेगा नहीं, ये भी मत करो, दो क्वेश्चन छोड़ दो। अब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे ठीक है, करें स्टार्ट। यस सर, यस सर, लंबी लंबी सांसें ले लो 2 मिनट के लिए आप लोग, इससे आपको क्लियर कट हो जाए। तो देखो कोई भी रिएक्शन की मैकेनिज्म है कब, आपको मैं बता दूं सिंपल सी बात है, जब रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है तो आप एक बार ध्यान रखना, आप बात ध्यान रखना, आप जब आपका रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट से पहले स्टेप में क्या होता है, रिएक्टेंट से बनता है इंटरमीडिएट, क्या बनता है इंटरमीडिएट ठीक है ना, तो जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, स्लो होता है और कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ठीक है ना। ये आवाज कैसी आ रही, कोई अपना स्पीकर खोला हुआ है क्या, हेलो हेलो सर, म्यूट आवाज कर लेना भाई आप, सही हुआ है ना। अब देखो इंटरमीडिएट से दूसरे स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडिएट से क्या बनता है आपका प्रोडक्ट बनता है, ऐसे समझो आप किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, बोलो भाई किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, किसी के लिए नहीं सर, नीट एग्जाम, नीट के लिए कर रहे हो है ना। अच्छा तो ये नीट एग्जाम है, एग्जाम तो एक ही दिन होना है जो कि एक ही दिन में खत्म हो जाएगा है ना। अभी आप किस में चल रहे हो, किस प्रोसेस में चल रहे हो, इंटरमीडिएट में चल रहे हो, इसमें चल रहे हो इंटरमीडिएट, क्यों आप स्लो भी हो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब समझते हो, स्पीड मतलब ये सबसे स्लो होगा, मीन्स आपकी जो पढ़ाई भी वो क्या है इंटरमीडिएट में, अभी आप रिएक्टेंट से आप ये हो, आपको बनना पहुंचना का नीट पे तो ठीक है ना, तो बीच में क्या इंटरमीडिएट टाइम है, जब इंटरमीडिएट बन रहा है जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है उस स्टेप में क्या होता है स्लो टाइम, उसको क्या बोलते हैं स्लो बोलते हैं, वो स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक शुद्ध लाइन लिखे हैं, प्योरली लाइन लिखे हैं,
मोर इज द स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर इज द स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, उतनी ज्यादा क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। मीन जितनी ज्यादा स्टेबल, जितना अच्छा आप पढ़ोगे, जितना अच्छा आप स्कोर करोगे, उतनी अच्छे चांसेस किसके हो जाएंगे आपके रेट ऑफ रिएक्शन, उतनी आपके चांसेस हो जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन, उतनी आपको फास्ट मतलब नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे यहां भी समझ सकते हो, जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतने ज्यादा क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब देखो, अब बात आती है इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट कौन कौन होते हैं आपके अभी बोर्ड लेवल पे सिलेबस में है, इंटरमीडिएट जो होते हैं वो आपके कार्बोकैटायन क्या होते हैं, कार्बोकैटायन, ठीक है ना, कार्बेनायन और आपका एक होता है फ्री रेडिकल, क्या होता है फ्री रेडिकल, ये सब क्या आपके इंटरमीडिएट है, क्या है इंटरमीडिएट। हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनकी स्टेबिलिटी निकालते हैं, क्या करते हैं, वो सारे अपन इफेक्ट पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ, तो कोई भी रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें रिएक्टेंट से पहले क्या बनता है इंटरमीडिएट बनता है, फिर इंटरमीडिएट से क्या होता है प्रोडक्ट बनता है। जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा उतनी ज्यादा क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब समझ लो उतनी ज्यादा स्पीड रिएक्शन की उतनी फास्ट होगी, ठीक है। इतना क्लियर सर, क्या बोलो सर, जब इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो सर फिर वो प्रोडक्ट बनाने ही हो चाहेगा, वो तो सर अपनी स्टेबल स्टेट में रहना चाहेगा ना, और अगर वो बनाएगा भी तो सर फिर वो स्लो स्पीड से करेगा ना काम। जो अभी सुनो तो मैं पूरी बात सुनो, जो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी मतलब बोल, वैसे तो ये सब कैसे होते हैं अनस्टेबल ही होते हैं, क्या होते हैं ये सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं, उनमें से सभी अनस्टेबल में स्टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये इंटरमीडिएट सारे अनस्टेबल होते हैं, जैसे प्लस चार्ज हो, कोई क्यों अपने ऊपर चार्ज रखेगा प्लस चार्ज, कोई क्यों अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखेगा, कोई क्यों अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस फ्री रेडिकल रखेगा, ठीक है, उनकी बात करेंगे। स्टेबिलिटी बोले तो उन सभी में से सबसे ज्यादा स्टेबल जो इंटरमीडिएट बनेगा वही क्या होगी उसी की रेट, वही क्या होगा वही सबसे स्लो होगा स्टेप और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। नहीं आया समझ में अभी सर? सर अगर दो रिएक्शंस हो रही है, पहले वाले रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो सर दोनों के इंटरमीडिएट, सुनो पहले मेरी सुन लो, रिएक्टेंट से क्या बनता है आपको सीधा ये पढ़ते हो ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना कैसे, पहले रिएक्टेंट बनेगा, रिएक्टेंट से पहले क्या बनता है स्टेप पहले में इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है, ये स्टेप टू में क्या बनता है इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट। सर मैं तो ये कह रहा था कि सर अगर बीच में इंटरमीडिएट दो मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है उसका जितना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा उतने जल्दी से वो अपना प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, ओके वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमें ये कहना चाहिए ना कि जितना ज्यादा इंटरमीडिएट अनस्टेबल होना चाहिए उतना फास्ट रिएक्शन होनी चाहिए। नहीं आप अभी कुछ गलत वे में ले रहे हो, अभी आप क्वेश्चन देखोगे या आप मतलब जब कॉन्सेप्ट समझोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा आप ये समझो कि रिएक्टेंट पहले स्टेप में क्या हुआ इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इंटरमीडिएट क्या बनाएगा प्रोडक्ट बनाएगा, दो स्टेप की रिएक्शन होती है, ठीक है ना। जैसे ऑर्गेनिक मॉल इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट से क्या बना प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, स्टेबल वो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, एक्चुअली में स्टेबल नहीं होंगे, जितना ज्यादा स्टेबल हो गया मतलब जैसे तीन कंपाउंड दे दिए उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है ना, जैसे कार्बोकैटायन कार्बेनायन है ना, फिर ये सब अनस्टेबल होते हैं, सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं, कोई स्टेबल नहीं है इसमें जब तक कि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बने, जब तक कि न्यूट्रल ना हो जाए, क्या नहीं हो जाए न्यूट्रल ना हो जाए, क्या नहीं हो जाए न्यूट्रल ना हो जाए, ठीक है सर। फ्री रेडिकल में क्या होता है अभी हम बात करें, सबकी बात करें, अपन कार्बोकैटायन भी पढ़ेंगे, कार्बेनायन भी पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल भी पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। अभी अपन बात करें आरडीएस क्या लिखा है आपने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा दो रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे, दो रिएक्शन नहीं हो रही भाई, एक ही सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बन रहा है, अब वो दो स्टेप में हो रही है रिएक्शन। हाँ बोलो बोलो
बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम दो सेपरेट व्हीकल ले रहे हैं, उनके साथ दो रिएक्शन कर रहे हैं, अगर पहले वाले में इंटरमीडिएट मतलब लेस स्टेबल है, दूसरे वाले में इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो सर हम इसमें ये क्यों कह रहे हैं कि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी से मतलब प्रोडक्ट बनाएगा फास्टली, जबकि होना तो ये चाहिए ना कि जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जितना कम मतलब स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी मतलब प्रोडक्ट बनाने की ओर जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, तो वो उतना ज्यादा फास्ट होगा ना। अच्छा इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ठीक है ना, आप इंटरमीडिएट हो ना, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट में हो, अब आपने पढ़ाई करते जा रहे हो, करते हो, मैं पेपर ना दिलवाऊंगा आपको, आप तो स्टेबल हो, आप तो पढ़ लिए ना, अब आपको नीट करने की क्या जरूरत है सर, वो बात तो अलग है। नहीं 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 अच्छा कैसे अलग है, सिंपल सी बात, आप प्रोडक्ट के लिए तो पढ़ रहे हो नीट के लिए, यस सर, और ये सब 2 साल का टाइम किस में है, इंटरमीडिएट में ही तो है, आप स्टेबल ही तो हो रहे हो, तब आप स्टार्टिंग में पढ़े हुए, तब आपका कुछ और लेवल होगा, और अब आपका कुछ और लेवल है, और अभी आगे 1 साल और पढ़ोगे तब आपका कुछ और लेवल होगा, तो आप तो स्टेबल हो गए ना फिर, यस सर, हाँ है, फिर तो आपको नीट नहीं करनी चाहिए, बात समझो ना, कहाँ बता रहा हूँ मैं, नीट करने की मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल टॉपिक बता रहा हूँ, मैं इंटरमीडिएट तो है, हम 3-4 इंटरमीडिएट कार्बोटाइन बने, 3-4 कार्बोटाइन बनेंगे, अब जैसे मैंने ये 2 कार्बोटाइन बनाए, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे ये मैंने 2 कार्बोटाइन बनाए CH+ CH3, अब ये दोनों ही अनस्टेबल है, वैसे देखा जाए तो दोनों ही अनस्टेबल है, दोनों ही इंटरमीडिएट अनस्टेबल, लेकिन इन दोनों में से स्टेबिलिटी किस इंटरमीडिएट की ज्यादा, इसकी ज्यादा है, तो मतलब ये नीट पे पहुंचेगा, ये नहीं पहुंचेगा, मतलब इसके चांसेस क्या है 1%, इसके पास चांसेस कहते हैं 99%, जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उसके चांसेस नीट में सिलेक्शन होने के ज्यादा है, समझ में आ गया। दोनों के अगर प्रोडक्ट सेम होंगे, मतलब दोनों के मतलब प्रोडक्ट अगर सेम है, दोनों की स्टेबिलिटी की एनर्जी दोनों की सेम है, तो सर जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा सर वो उतना उतना ज्यादा ही तो मतलब चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो उतनी तेज फास्ट ही करेगा ना। नहीं, कंफ्यूज मत हो बच्चा, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, अभी क्वेश्चंस करोगे अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो, अभी बस अभी अपने अंदर सर शायद जो अनस्टेबल वाला इंटरमीडिएट होगा वो बनेगा ही कम, तो इसीलिए शायद फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल इसका बिल्कुल सही सही बोला, बिल्कुल इसका बिल्कुल सही बोला, बनेगा ही कम, क्यों हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, अब हम इनकी स्टेबिलिटी अभी एक्सप्लेन करेंगे ना, कैसे हम इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे, हम भी आपकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे ना, आपने फिजिक्स इतनी देर पढ़ी, केमिस्ट्री इतनी देर पढ़ी, बायो इतनी देर पढ़ी, तभी तो सिलेक्शन होगा, हाँ भाई बायो में इसके इतने 360 में से इसने 360 में से इसके मान लो इसके बायो में आ गए 355 मार्क्स आ गए, अरे वाह है ना, केमिस्ट्री में 45 थे 180 थे, 180 में इसके 175 मार्क्स आ गए, सिंपल समझो मैं कहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर हुआ बच्चा, ये बताओ बेटा कौन सा बच्चा भी डाउट पूछा तो उसको बुलाओ, क्या नाम yes, sir. तुम शुभम कंफ्यूजन में मत क्रिएट हो, स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेबल है, स्टेबल बोले तो हाँ स्टेबल है, उन 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 इंटरमीडिएट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो बन रहे हैं उनमें स्टेबल है वो, लेकिन वो स्टेबल नहीं है एक्चुअल में, वो अनस्टेबल ही है, उन उनके कंपेरिजन में बोल रहे हैं कि ये ज्यादा स्टेबल इंटर, ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ये जल्दी रिएक्ट कर लेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर मतलब ये होना चाहिए, मतलब सर अग, मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मतलब एक सॉल्यूशन है उसके अंदर जो स्टेबल इंटरमीडिएट है वो ज्यादा बनेगा और अनस्टेबल इंटरमीडिएट कम बनेगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा जो प्रोडक्ट बनाएगा वो हमारा स्टेबल वाला बनाएगा और हमारा कम प्रोडक्ट बनाएगा अनस्टेबल वाला, बनेंगे दोनों, ऐसा नहीं दोनों बनेंगे, दोनों सॉल्यूशन में स्टेबल मेजर, देखो इसीलिए हम 2 प्रोडक्ट पढ़ते हैं, अभी बताओ केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट भी पढ़ना सीखेंगे, माइनर प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, कौन सा मेजर भी पढ़ेंगे माइनर भी पढ़ेंगे, यस सर है ना, मेजर भी पढ़ेंगे माइनर भी पढ़ेंगे, माइनर भी बनता है, ऐसा नहीं कि मेजर ही बनेगा कि हमने 100% रिएक्शन 100% प्रोडक्ट बनेगा, नहीं उसमें 80% मेजर प्रोडक्ट होगा, 20% आपका माइनर वाला भी एडजस्ट कर रहा होगा, अरे भाई 340-350 वाले मार्क्स वाले भी तो नीट में एडजस्ट करते हैं टोटल मार्क्स 720 में से, यस सर करते हैं या इंजीनियरिंग में है ना, इंजीनियरिंग उनका में नंबर तो ज्यादा होता है में भैया है, उनका नंबर तो ज्यादा होता है समझो यहाँ पे, हाँ सिंपल सी बात है, अब आगे बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे जो हमें क्या बताएंगे, जो बताएंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल के बारे में हमें बताते हैं,
जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम देखते हैं, सबसे पहले ये दो टाइप के होते हैं, परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्पररी, समझना यहाँ पे, परमानेंट इफेक्ट और एक टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट में क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। टेम्पररी इफेक्ट में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है क्या, अभी हम बताएं, सब बताएंगे, मैं तीनों चीजें इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ाऊंगा, रेजोनेंस इफेक्ट भी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ाऊंगा। मैं जनरली बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट और एक टेम्पररी। परमानेंट किसे बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और टेम्पररी इफेक्ट में कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, ये सिंपली पाई बॉन्ड पे लगता है। अभी हम बात करेंगे, बच्चा सब पढ़ेंगे, ये तीनों पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ी देर रुक जाओ, सब पढ़ेंगे अपन, एक दो लेक्चर में सभी पढ़ने, आज नहीं हो पाएगा तो कल पढ़ेंगे हम, ये भी पढ़ाएंगे अलग से, ये भी पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में अलग से, ये भी पढ़ाएंगे हम अलग से, ठीक है ना, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। सर बस तो देखो कि सर जो मतलब परमानेंट वाले होंगे वो हमेशा मतलब मॉलिक्यूल में रहेंगे और नहीं रहेंगे। जैसे हम स्टार्ट कर दिए, चलो तुम्हारा मैं एक इफेक्ट तो खत्म कर सकता हूँ यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इंडक्टिव, ठीक है ना, समझना ध्यान से। इंडक्टिव इफेक्ट किसे बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे, ये कैसा होता है, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अच्छा ये परमानेंट इफेक्ट होता है, जैसे कार्बन चेन है ये, ठीक है ना, कार्बन चेन है, इससे हमने एक्स जोड़ दिया, है ना, एक्स एक्स यहाँ पे क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन चेन, ठीक है ना, ये दो टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट, समझना यहाँ पे। अब जब हमने एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक्स ये एक्स क्या, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इस पे भी क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इस पे भी क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, मतलब ऐसे ग्रुप क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे, कैसे होंगे बोलो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे, है ना, ऐसे कंपाउंड कैसे हो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे, कैसे हो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे, ठीक है ना। जैसे अब एक बात ध्यान रखना, जो माइनस आई इफेक्ट लगता है इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे एक्स जरा, इसके बगल वाला कार्बन क्या, अल्फा कार्बन, ये कौन सा है, बीटा कार्बन, ये कौन सा है, गामा कार्बन, है ना, ये कहां तक लगता, मैक्सिमम गामा कार्बन तक लगेगा, कहां तक लगेगा, मैक्सिमम गामा कार्बन तक लगेगा, ये कहां तक लगेगा, मैक्सिमम गामा कार्बन तक लगेगा। मींस हम ऐसे बोल सकते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव, ये ऐसे बोल सकते हैं, है ना, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होगा, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होगा, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो चाहे वो माइनस आई इफेक्ट हो, इतना क्लियर होगा। यस सर। जैसे अब हम बात करें माइनस दो डेल्टा प्लस है वहां पे तीन, ये क्या है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और कम होता जा रहा है, अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं रहा, ये क्या है, इस पे सबसे ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव होगा, अब इफेक्ट तो लगा रहा है, क्यों, इसके भी इलेक्ट्रॉन थोड़े से यहाँ शिफ्ट हुए होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट हुए होंगे, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा तो देखो इतना क्लियर हो गया। अब जैसे मैक्सिमम गामा कार्बन क्या लिखा हुआ आपने, मैक्सिमम गामा कार्बन तक लगेगा, ये मैक्सिमम गामा कार्बन तक, है ना, मतलब उससे आगे नहीं जाएगा, हाँ मैक्सिमम गामा कार्बन तक ही लगेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लूं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें मैं पूछूं आपको माइनस आई का, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ, बताओ सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन क्लोरीन में होगा, उसका क्लोरीन क्लोरीन क्या हुआ, ये माइनस आई इफेक्ट का, क्लियर हुआ, है ना। अच्छा एक और बताओ, CH2F CH2Cl CH2Br और CH2I, इसमें बताओ किसका होगा, सर CH2F का होगा, वेरी गुड, समझ में आ रहा ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका माइनस आई इफेक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट का ये ऑर्डर। अच्छा एक और बताओ, CF3 CCl3 CBr3 CI3, बताओ इसमें, सर CF3 का सबसे ज्यादा होगा,
ये माइनस आई स्क्वायर का ऑर्डर। इतना क्लियर हुआ? तो मतलब ऐसे करो, एक्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं, है ना, खींच रहे हैं अपनी तरफ, है ना, उसे क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट को वो शो करेगा। ऐसे ग्रुप क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट को शो। इतना क्लियर हो गया सर? हैलोजेंस के अलावा और कोई कर सकता है? अभी मैं पूरी आपको वो बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं पूरी आपको प्रायोरिटी का भी ऑर्डर बता रहा हूँ। एनओ टू भी शो करता है ना, एनओ टू सी डबल ओ एच सब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको प्रायोरिटी का ऑर्डर बताऊंगा, तो वो प्रायोरिटी का ऑर्डर आपको याद रखना। इतना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। पक्का? किसी को शुभम डाउट है कोई? नो सर, समझ में आ गया सर ये तो। अच्छा, इंटरमीडिएट में अभी भी फंसे हुए हो, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं इंटरमीडिएट तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा, तो मत वरी। अभी थोड़ी रिएक्शन स्टार्ट होने दो एक दो, ठीक है? अभी रिएक्शन क्या, मैं अभी कार्बोकैटायन पढ़ाऊंगा, कार्बोकैटायन कार्बोटाइन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात करूंगा, तब तो मैं क्लियर हो जाएगा इंटरमीडिएट की मैं क्या बात कर रहा हूं। यस सर, ठीक है सर। आप मैं समझ रहा हूं, आप ये सीधा आप यही बोल रहे हो कि इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो सर वो कार्बो प्रोडक्ट बनाएगा, इंटरमीडिएट में ही रहेगा। हां सर, मैं यही बोल रहा था। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, इंटरमीडिएट वैसे भी अनस्टेबल ही होते हैं, है ना। लेकिन अब चलो मैं समझाता हूं और अच्छे से। अब देखो हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। तो देखो प्लस आई इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, जब कार्बन से ऐसे ग्रुप एक्स, जहाँ पे क्या कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, है ना, इस तरीके से एक्स से इन जनरल, है ना। तो देखो, तो इस तरीके से तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मतलब यहाँ पे कैसे जुड़े हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो, कैसे जुड़े हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे तो देखो इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, इस पे भी क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, इस पे भी क्या आएगा पार्शियली, ये भी मैक्सिमम कहां तक, सेम ही है गामा कार्बन तक ही लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसे इफेक्ट क्या शो करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे ऐसे इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे, तो शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट। जैसे गामा कार्बन तक ही होता है क्या? हां, गामा कार्बन चाहे प्लस आई हो या माइनस आई हो, दोनों ही डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। फिर मैं एक बात और बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, एक बात और बोल रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी ऑल एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप, तो ऑल एल्काइल ग्रुप सो क्या शो करेंगे, सारे के सारे एल्काइल ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप, है ना, सो प्लस आई इफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है ना। जैसे मिथाइल से ज्यादा किसका होगा, बोलो, मिथाइल से ज्यादा होगा इथाइल का, है ना, इथाइल से ज्यादा किसका होगा प्रोपाइल का, ठीक है ना, प्रोपाइल का किसका से ज्यादा किसका होगा, ब्यूटाइल का। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बच्चा लो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? समझ नहीं आया ऑर्डर कैसे लिखा आपने, याद रखो ऑर्डर, ये याद ही रखने पड़ेंगे आपको। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ बता दिया ना, ऑल एल्काइल ग्रुप सो प्लस आई इफेक्ट, जितने भी एल्काइल ग्रुप गामा पे और मतलब डेल्टा 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 नेगेटिव लगाया चार्ज, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखो ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कार्बन की तरफ। जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव आएगा, इस पे भी क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव आएगा, इस पे भी क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, और इस पे क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यदि मान लो इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए, है ना, उस केस में आपसे पूछा जाए कि प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा हुआ, तो उस केस में हम देखते हैं ब्रांचिंग, क्या देखते हैं ब्रांचिंग, मतलब ब्रांचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट, मतलब जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज्यादा क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। कैसे, एग्जाम्पल के लिए मन तो नहीं मान लो, मैं एग्जाम्पल भी करा देता हूँ, सी एच टू सी एच टू सी एच टू एक जोड़ दिया हमने, सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, बताओ किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, सेकंड वाले का, ठीक है ना, क्लियर हुआ? यस सर। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को, कुछ पूछना हो तो बताओ। एग्जाम्पल कौन सा समझ नहीं आया, ये वाला? जी सर, नीचे वाला।
देखो बेटा कार्बन एटम सेम होंगे, कार्बन एटम एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, कार्बन एटम सेम है तो हमें क्या देखना है, चलो तब हमें देखना है यहाँ पे ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग सबसे ज्यादा किसमें, ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या ब्रांचिंग है, देखो ये क्या ब्रांच बनी है ना, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा। नीचे वाले के ज्यादा कैसे होगा प्लस आई इफेक्ट, ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, ए में ज्यादा ब्रांचिंग है या बी में, देखो इस तरीके से बनाओ और अच्छी से। अब क्लियर हुआ कुछ, तो बी में ब्रांचिंग ज्यादा कैसे होगी बेटा, ये ब्रांचिंग दिख रही है, यदि इसमें आप नॉर्मल पेरेंट चेन लोगे तो कौन सी लोगे, कौन सी पेरेंट चेन लोगे, सर ऊपर से नीचे ये एक दो ये लोगे ना, इसमें ब्रांचिंग दिख रही है, ये ब्रांचिंग नहीं है, इस तरीके से मैं इसको बना दूं अब भी नहीं दिख रहा ब्रांचिंग, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ब्रांचिंग से क्या कहना चाह रहे हो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जब कार्बन एटम सेम होंगे आपके तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, मतलब ब्रांचिंग मतलब बोले तो ब्रांचिंग ऑफ कार्बन एटम, ब्रांचिंग ऑफ कार्बन एटम जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा प्लस आई इफेक्ट होगा। जैसे मैंने ये दे दिया एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे, जैसे मैंने मान लो ये दे दिया सी एच थ्री सी एच, इस तरीके से देख लो सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, और एक मैंने लिख दिया आपको सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री। अब बताओ बेटा इसमें किसका ज्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट, दूसरे वाले का ब्रांचिंग पढ़ा होगा ना आपने, ब्रांचिंग तो आप सर हाँ सर ब्रांचिंग में इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट हो जाएगा कार्बन में, इसलिए ज्यादा होगा इसके। देखो यहाँ से दो दो कर रहे हैं ना, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो आसान वो दूर दूर है, थोड़े दूर दूर है ना, डिस्टेंस का बोला ना एक तरीके से, और जितनी आपने पहले बताया डिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जनरली डिस्टेंस के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हां सर ये प्लस आई और माइनस आई दोनों के लिए है ना, नहीं बच्चा ये प्लस आई का अलग ऑर्डर, ये माइनस आई के लिए, ये अच्छा डिस्टेंस वाला हाँ हाँ ये दोनों के लिए ठीक है। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, ब्रांचिंग आपने पेड़ देखा है, पेड़ यस सर, ये पेड़ है मान लो इससे कितने कार्बन जोड़ दिए हमने अलग अलग, ये टहनी है इसकी, समझ गया पक्का यस सर, लॉक कर दिया जाए यस सर। सर एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दो, अरे मैं पूरी स्लाइड दिखाऊंगा लो यस सर, आप बताओ कोई डाउट हो तो पूछ लो यहाँ पे, फिर हम देखें यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ। सर इससे पहले वाली जो टाइप वाली स्लैब थी वो स्लाइड थी वो दिखा दीजिए, एक मिनट ये हो गया सबका यस सर यस सर, ये वाला सर इससे पहले वाला, ये वाला इससे पहले वाला सर, ए सर वो इसके बीच में एक वो था ना, ये हाँ ये सर ये देखो ये होता है आपका माइनस आई इफेक्ट का जनरल ऑर्डर, ये याद रखना माइनस आई इफेक्ट का और प्लस आई इफेक्ट का, ये आपका ऑर्डर नोट करना है, हाँ ये नोट करना है, एनआर थ्री का सबसे ज्यादा होता है फिर एनओ टू फिर एसओ टू आर, ये याद रखना पड़ेगा आपको, फिर सी एन फिर सी डबल ओ एच, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फिर ईथर है ना, इस तरीके से प्लस आई इफेक्ट का ये ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है याद रखना। सर वो वाला हुआ नहीं था वो, अब वो मैं दिखा देता हूँ, अब बताओ कोई डाउट है यहाँ तक किसी कोई डाउट हो, कहीं भी तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लो पहले अपने डाउट, वो लिखना है ऑर्डर लिखना है माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, इसका डाउट है नो सर पूरा क्लियर एकदम यस सर,
गया टॉपिक। हाँ सर क्वेश्चन लगाते हो आप लोग? यस सर। कौन सी बुक लगाते हो सर? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे हुआ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक है बेस्ट वो तो लगा ही लेते हैं। और बताओ भाई कोई डाउट? नो सर। शुभम यस सर। अब देखो तुम्हारी हम बात क्लियर कर देते हैं दो मिनट में ठीक है। ऐसे मान लो ये दो इंटरमीडिएट है, क्लास तो नहीं है तुम लोगों की? नो सर 6:30 ऐसा टाइम है। तो देखो ये ऐसे मान लो आपके ये दो मैंने इंटरमीडिएट लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा एक होता है प्राइमरी कार्गो टाइम एक होता है सेकेंडरी। अभी याद रख लेना मैं कल के लेक्चर में आपको ये बताने वाला हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्गो टाइम की बात बताने वाला हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्गो टाइम ठीक है ना। तो देख लो सिर्फ हम यहाँ पे तो देखो तो टर्शियरी कार्गो टाइम क्या सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन एक बात है जितने भी इंटरमीडिएट होते जनरली मैं बता रहा हूँ इंटरमीडिएट जनरली सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। हम उन इंटरमीडिएट के बीच में स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है ना उसमें हर तरीके का स्टूडेंट मिलेगा आपको पढ़ने वाला भी और ना पढ़ने वाला भी। तो हमें कौन सा ढूंढना है? बेस्ट स्टूडेंट पढ़ने वाला सर। तो समझ गए ना? ले आप अभी भी कैसे हो? अभी भी कैसे हो? इंटरमीडिएट ही हो yes, तक की सिलेक्ट नहीं हो जाता yes, ऐसी जब तक प्रोडक्ट नहीं बन जाता है तब तक आप इंटरमीडिएट ही हो। अब वो खूब आप स्टेबल हो जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ इन दोनों में आप कहोगे तो आप बोलोगे सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हुआ कुछ? सर वो इंटरमीडिएट वो जो हमारा सेकंड वो फर्स्ट वाला जो है हमारा ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उससे सेकंडरी सेकंडरी है ना ये टर्शियरी है दोनों ही अनस्टेबल हैं दोनों ही अनस्टेबल इन दोनों ही अनस्टेबल स्टेबल कौन ज्यादा है ये वाला समझ में आ रहा है कुछ? और सर अगर दोनों के हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो सर वो अलग अलग अब सॉल्यूशन में जब दोनों के प्रोडक्ट बनेंगे तो इसका कंटेंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन में। मान लो ये 80% 90% बन रहा होगा तो 10% ये भी बन रहा होगा, ऐसा नहीं दोनों ही बनेंगे प्रोडक्ट सर। और जो दोनों के प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होगी वो कैसी होगी सर? कैसे दोनों इसकी ज्यादा होगी? ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा इससे जो बनेगा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, इससे जो डॉक्टर बनेगा वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, इससे जो डॉक्टर बनेगा वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है सर। मतलब जो जो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो उतना ही ज्यादा मतलब उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और दूसरी जगह पर जो इंटरमीडिएट जितना कम स्टेबल होगा उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल वाले प्रोडक्ट से कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल हो कम बनेगा माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? माइनर प्रोडक्ट। याद रखना अभी हम सब बात करेंगे बेटा, अभी आगे हम सब पढ़ेंगे मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट ये सब पढ़ेंगे। आप कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर अब हुआ, क्योंकि सर वो जो प्रोडक्ट जो इतना ज्यादा स्टेबल होगा फिर वही वही बनेगा जाएगा। हाँ वही बनना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए ना फिर उसके लिए। अभी हाँ अभी हम दोनों आपको इंटरमीडिएट जब अपन पढ़ेंगे ना अपन पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है ना तब अपन हम आपको बताएंगे वहां पे। सर वो डी पे क्या लिख रखा है उसमें प्लस आई इफेक्ट में कहां पे डी क्या बोल रहे ये डी को बोलते ड्यूटेरियम एच को बोलते हाइड्रोजन। हेलो सर। हाँ यस सर क्लियर हो गया? यस सर। किसी बच्चे को और कोई डाउट हो तो बता दो अभी। सर एक बारी बस वो पूछना था कि अल्कोहल ग्रुप मेटामेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। यस सर क्लियर हो गया। यस सर अब मैं आपको मुझे कल याद दिला देना बच्चा, बिल्कुल आते ही मुझे याद दिला देना। मैंने आज भी बोला था ना मुझे आते ही याद दिला देना बोला था मैंने। मेरे क्लास के शुरू में टाइम वेस्ट होता है ना फिर इसलिए एंड के लिए रखा था। मुझे एंड में इसलिए क्योंकि मेरी भी 6:30 से क्लास है ना। हां सर कोई बात नहीं मैं थोड़ा मैं रेस्ट कर लेता हूं मैं, लेकिन कल मैं ध्यान से आपको बता दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। शुरू के स्टार्टिंग में आपने छेड़ देना कि भाई ये वाला क्वेश्चन बता दो सर,
तो मैं याद रखूंगा लास्ट तक, तो मैं लास्ट में आपके लिए टाइम बचा के रखूंगा, जैसे अभी शुभम के लिए लास्ट में टाइम बचा के रखा, ऐसे ही तुम्हारे लिए लास्ट के 15 मिनट बचा के। ओके सर, ठीक है, ओके। किसी को और कोई डाउट? तो फिर नो सर, नो चला जाए आशा, बाय बाय मेरे फ्यूचर, ठीक है ना, टाटा बाय बाय, ओके गुड इवनिंग सर।